Hey guys, welcome back to another video. आज हम करने वाले हैं Would you rather scary edition. भूतिया edition. Yes, Halloween week चल रहा है तो हमने सोचा सारी horror videos लेके आए चल. चलो देखते हैं two options में से कौन कौन सी option choose करता है. और हमारे साथ साथ आपको भी ये challenge करना है. Comments में आपको भी बताना है कि आप हमारी जगह होते तो क्या choose करते. Let's get started. क्या तुम एक sinking ship पे होना चाहोगे या एक क्रैशिंग एयरप्लेन पे? भाई ये क्या है, टफ क्वेश्चन. ये दोनों मेरे फियर्स हैं, बट आई थिंक पानी मेरा इतना बड़ा फियर नहीं है जितना एयरप्लेन क्रैश है. हम लोग एक्चुअल में जब एयरप्लेन होता है ना, मैं कितनी बार हर्ष को ये कहती हूँ, यार अगर प्लेन क्रैश हो गए भाई कितनी देर में मरेंगे. इतनी हॉरिफाइंग वीडियोस दिखाई दी मुझे प्लेन क्रैश की, मैं सो ही नहीं पाता इस टाइम. पता है जैसी आंखें बंद करो ना, ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा. और जब टर्बुलेंस होती है ना, तो भाई ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं ना यार. पता क्या होता है, एयर प्रेशर जैसे ही कम जाता होता है ना, ऐसे प्लेन ऐसे चल रहा होता है ना, बुट मारता है, बुट मारता है. मतलब एक्चुअल में एयरप्लेन क्रैश थोड़ा स्केरी होगा मेरे लिए भी. शिप यार, तेरे लिए शिप? हाँ, मेरे को लग रहा है उसमें ना बचने के चांसेस होंगे, बहुत टाइम मिलेगा, और एयरप्लेन क्रैश में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. सो आई थिंक वी विल रादर बी ऑन अ सिंकिंग शिप. टाइटैनिक में डूबना चाहेंगे? यस. साथ में मेरे जैक. चलो फिर, व्हाट, अभी जिंदा है, आगे करते हैं. वुड यू रादर स्पेंड द नाइट इन अ हॉन्टेड हाउस और स्पेंड 24 आवर्स इन अ सीवर? यार ये 24 घंटे हॉन्टेड हाउस में तो रह चुके हैं प्रेरणा. मतलब हाँ, हम रह चुके हैं एक्चुअल में. जिस जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी, अटैक करते थे, बट मुझे लगता है prefer to spend the night in a haunted house क्योंकि सीवर में भूतों बर्दाश्त होगा और भूतों के साथ कीकली खेलने में मुझे बहुत मजा आएगा. यार सीवर में explore क्या करेंगे? चूहे? चूहों से तेरे को प्यार है? I hate चूहे. यार तो फिर तेरे को अपना सबसे बड़ा fear overcome करना चाहिए ना. मैं अपना सबसे बड़ा फियर कम ओवर कर चुकी हूँ तेरे साथ शादी करने का. तो नो, आई वुड रादर स्पेंड द नाइट इन अ हॉन्टेड हाउस. तू तुझे क्या? यार हॉन्टेड हाउस यार. कॉपी कैट आज मेरे साथ सेम बोल रहा है. अबे नहीं, मतलब वो दूसरी ऑप्शन नहीं यार, बहुत मुश्किल. बहुत डिस्गस्टिंग है. भूतों को फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट? गो ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोलर कोस्टर और टेल अ स्ट्रेंजर योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट. आई थिंक मेरे लिए दोनों ओके हैं, बट स्टिल अगर मुझे एक चॉइस मिलती है तो आई'ड रादर गो ऑन अ रोलर कोस्टर. स्ट्रेंजर को अपनी सीक्रेट बता के मुझे क्या हासिल होगा? या तो मुझे कुछ पैसे मिल रहे हो तो शायद मैं बता दूं. रोलर कोस्टर पे फन होगा, एड्रेनलिन रश होगा, मजा आएगा. आई थिंक मैं तो दूसरी ऑप्शन पे जाऊंगा. हाँ, मेरे को नहीं बैठना रोलर कोस्टर. तू और अपने सीक्रेट बता दे. मैं बता दूंगा. किसी को कुछ ना बताए. मैं बता दूंगा, मैं आज बता दूंगा. मतलब तो फिर आज मुझे भी बता देना कौन सा सीक्रेट छुपा है. स्ट्रेंजर नहीं है ना. ऑलराइट हर, ठीक है. वुड यू रादर स्पेंड 5 years इन अल्काज़ार और स्पेंड 1 year इन अ रशियन प्रिजन? सो अल्काज़ार बेसिकली एक प्रिजन था जो काफी टाइम पहले शट डाउन कर दिया गया था, बट वो आइलैंड के ऊपर था और उसे ऑपरेट करना थोड़ा एक्सपेंसिव था. रशियन प्रिजन, मुझे नहीं पता कि रशियन प्रिजन में कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, बट आइलैंड पे प्रिजन में रहने का थोड़ा फन तो होगा एटलीस्ट. बट प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, वहाँ 5 साल रहना, वहाँ 1 साल रहना है. मैं 1 साल रशियन प्रिजन में रह लूंगा. क्या पता रशियन प्रिजन में बहुत ज्यादा गुंडा करती, मार पीट, हथौड़ियां, सब कोई चलाते नहीं, कोई नहीं भाई, 1 साल में बाहर आ जाऊंगा ना. एक साल में अगर जिंदा रहेगा. 5 साल और 1 साल बहुत डिफरेंस है यार. नहीं, एक एक दिन 365 दिन तो आसान है, 365 × 5 बहुत मुश्किल. ठीक है गाइस, मैं भी 1 साल रशियन प्रिजन में बिता लूंगी. हैव टू फाइट फ्रैंकेनस्टाइन और हैव टू फाइट ड्रैकुला. ओ ये तो बहुत ही गंदे ऑप्शन है. फ्रैंकेनस्टाइन आई थिंक मैं प्रेफर करूंगी. ड्रैकुला तो ऐसे अपने दांत मार के, वैसे भी हमने ड्रैकुला को इतना रोमांटिसाइज करा हुआ वैम्पायर्स एंड ऑल, तो वो अच्छे होते हैं. बट फ्रैंकेनस्टाइन जो है, हर तुझे पता नहीं होगा, मैंने पढ़ी है फ्रैंकेनस्टाइन, उसको तो क्रिएट करा था खुद एक ह्यूमन बीइंग ने, और उसके अंदर थोड़े से इमोशंस भी थे, तो कई बार वो अपनी एक ह्यूमैनिटेरियन साइड दिखाता. क्या पता हमें छोड़ दे वो, है ना. तो वी कैन फाइट फ्रैंकेनस्टाइन, बट मुझे नहीं लगता हम ड्रैकुला के साथ फाइट कर सकते. वो तो पेल देगा की बारी में, वो तो सीधा दांत मारेगा हमें खत्म. So we'll fight Frankenstein. Hold a giant snake, hold a Madagascar hissing cockroach. Madagascar hissing cockroach छोड़ेगा नहीं और giant snake निकल जाएगा. तो क्या करना चाहेगा? Giant snake को पीछे से पकड़ लेंगे ना. कोई हमें अच्छे से पकड़ा देगा तो ठीक है. मतलब मैं तो दोनों को ही होल्ड करना नहीं चाहूंगी. That is disgusting creature. Cockroaches फिर I think better होते हैं. भाई वो खून चूस लेगा तेरा. तो स्नेक तो सीधा डंक मारेगा. ये बात भी सही है. कॉकरोच ही बेटर है. मैं अपनी मौत कॉकरोच के हाथ स्नेक के साथ एक्सपेरिमेंट कर लूंगा. वैसे स्नेक बेचारे एटलीस्ट मतलब मरे तो एक स्नेक की वजह से मरे, कॉकरोच की वजह से मरे कितना चिपड़ लगेगा. पुट योर हैंड इन अ क्रीपी स्लाइमी होल, हैव अ बकेट ऑफ वर्म्स डंप्ड ऑन योर हेड. ये खतरों के खिलाड़ी वाला चैलेंज चल रहा है यहाँ पे. मैं अपना हाथ एक क्रीपी स्लाइमी होल में डालना फिर प्रेफर करूंगी. अपने सर पे मैं वर्म्स तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. मेरा सबसे गंदा फेयर है, अगर कोई मुझे 50 करोड़ रुपए भी दे तब भी मैं खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाऊंगी. देगा ही कौन तुझे? ये तो बात है.
भाई मैं तो बकेट डलवा लूंगा। हाँ और क्या, स्लाइमी हैंड नहीं करना चाहता ना जी, ना पता नहीं क्या रहस्य हो उसमें, क्या पता रैबिट हो उसके अंदर क्यूट सा। हाँ और तेरा हाथ खा जाए सकता है भाई, ये ऊपर डलेंगे नीचे गिर जाएंगे। हाँ, वैसे वर्म्स जो होते हैं वो मैंने खतरों के खिलाड़ी भी देखा, कुछ करते तो है लटक जाते हैं बालों में। सेम 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 डिटो। हैव अ मॉन्स्टर लिविंग अंडर योर बेड। ओ शिट। हैव अ ज़ॉम्बी चेज यू व्हेनेवर यू लेफ्ट द हाउस। हैव अ मॉन्स्टर लिविंग अंडर योर बेड। नहीं सोते हुए भाई नीचे से हाथ निकल रहे हैं, ये तो सिर्फ लाइफ ऑफ लग्जरी का टैलेंट है, हम नहीं कर सकते। ये नहीं हैव नाइटमेयर्स एवरी नाइट। You have your bedroom infested with spiders. Nightmares. रात को सपने बुरे बुरे आए चलेगा। बेडरूम में स्पाइडर्स घूम रहे हो यार मेरे। यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपके बेडरूम में स्पाइडर्स हैं तो आपको नाइटमेयर तो आएंगे। Exactly. जब नाइटमेयर आने ही है तो नाइटमेयर बेटर है ना, सीधा सीधा नाइटमेयर ही आ जाए। नो स्पाइडर। नो स्पाइडर। बी बरेड अलाइव। Be abducted by aliens. Of course, be abducted by aliens. भाई वो जो challenges करते हैं ना, Mr. Beast ने भी कहा था, I think जो coffin के अंदर casket में लेट जाते हैं, मेरे को भाई claustrophobia हो जाए। मतलब सच में अगर इस वीडियो पे 500 के लाइक्स हैं ना, शायद मैं सोचूं नहीं कर सकता। Buried alive, but नहीं, मतलब बहुत difficult रहेगा मेरे लिए। तू? नहीं भाई, सोच भी नहीं है। मेरे को याद है वो मशीन में जाते हैं ना, वो एक्सरे वाली कौन सी होती है, सीटी स्कैन। हाँ, उसमें हालत बुरी हो जाती है क्या होने वाला है, और ये कह रहे बरेड अलाइव। फिर भी आज ने 3-4 बार करा रखा है। बी स्टंग बाय अ जेलीफिश, गेट 10 नीडल्स। बिना 10 नीडल्स यार, मुझे नीडल्स का फोबिया है। 10 नीडल्स। बट अब नीडल से इतना डर नहीं लगता। जेलीफिश की स्टिंग मैंने सुना बहुत बुरी होती है। बहुत बुरी होती है। वो एक बार डंक मारेगी, ये 10 नीडल से तो बढ़िया है ना। मैं भी 10 नीडल्स के डंक से बचना चाहती हूँ। अब मुझे कोई चांस ही नहीं है। डाइविंग के टाइम पे कहते हैं जेलीफिश काट लेगी, दर्द होगी, बट फिर भी ठीक हो जाएगी। पर जो नीडल्स का वो अंदर दर्द होगा ना, सोच से मैं सोचना भी नहीं चाहती। कम फेस टू फेस विद पेनीवाइज, ये कम फेस टू फेस विद फ्रेडी क्रूगर। भाई इट मैंने देखी है, दोनों ही खतरनाक लग रहे हैं। वो तो मुझे उसके हाथ देख के ऐसा लग रहा है, वो तो सीधा स्क्रैच करेगा, बहुत ही गंदी वाहियात मौत देगा। यार जो कम बुरा उसके साथ जाते हैं ना, तो आई थिंक क्लाउन बेटर ऑप्शन है। क्लाउन के साथ ही हम जाएंगे। पेनीवाइज मारता है तो ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत बार हॉरर क्लाउन ने बहुत सही वीडियो गेम्स में मारा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर मार ले। Be turned into a werewolf or be turned into a vampire any day, यार मतलब मुझे लग रहा है डायरीज में werewolf ज़्यादा बढ़िया है। तो आप दानव से बन जाओगे, super strong से नहीं। तुझे पर वो वरुण धवन वाला तो नहीं बनना ना, कॉमेडी वाला werewolf original वाला। ये original वाला है, ठीक है। मैं तो वैम्पायर बनूंगी, मेरे को वैम्पायर डायरीज के वैम्पायर्स बहुत सही लगते हैं। एन सोमा होल्ड बहुत ज्यादा। Eat a live grasshopper or put a live worm in your mouth for 10 minutes। ये नहीं हो सकता, दोनों ही नहीं हो सकते यार। नहीं, फिर भी हमें एक चूज करना पड़ेगा। नहीं, बर्गर में डाल के ग्रास ऊपर खा लूंगा। आए हाय सोच के भी यार ही लग रहा है ना, गिन चढ़ रही है मुझे। अगर जीने मरने की बात आए तो फिर निगल लूंगी, बट 10 मिनट तक एक जिंदा वर्म को गले में नहीं रख सकती मैं। बस बस ठीक है, मैं समझ गई, बहुत ही गिनोना है। ऑलवेज फील इची ऑल द टाइम। यू ऑलवेज हैव समवन ट्राइंग टू स्केयर यू। नहीं खुजली से बचाए। बीटेक्स नहीं, कोई डरा ले यार हमें। डराता रहो, वैसे भी ये मुझे पूरे टाइम डराता रहता है, क्या ही फर्क पड़ता है। पता है वो डरा रहा, कुछ कर ही नहीं सकता। सही बात है, मार थोड़ी रहा है, डरा ही तो रहा है। डरा लो। लिव इन अ ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स और हैव एलियंस इन्वेडर। नहीं करा गया आई थिंक। हाँ, एलियंस के साथ ज्यादा मजा आएगा। रियलिटी क्या उनकी? उनको बताएंगे हम क्या इंसान है क्या। वॉच हॉरर मूवीज ऑल नाइट। अरे और क्या। और यूज Ouija board in a cemetery at night. Horror movie is all night. सोच भी नहीं है Ouija board cemetery at night. सोच भी नहीं है। घर में ना खेलूँ Ouija board. मैं लेके ना आऊँ Ouija board. Be stranded on a deserted island or be haunted by a ghost. यार deserted island पे stranded होने का मजा आएगा। कैसे हम अपनी लाइफ इतने साल पहले जीते थे यार, पेड़ से तोड़ तोड़ के आग जलाएंगे, पेड़ से तोड़ तोड़ के सेब खाएंगे, मजा आएगा। घोस्ट से हॉन्ट होना मैं नहीं चाहता। एनीवे गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। और आपकी सारी ऑप्शंस हम पढ़ने वाले हैं, सो आपने कमेंट करा होगा, देखेंगे हम। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।